हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्कूल लेसन। आज हम पढ़ेंगे क्लास सेवेंथ साइंस का चैप्टर 11 रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स। इसका एक पार्ट हमने ऑलरेडी बना दिया है, अगर आपने नहीं देखा है तो देख लीजिएगा। तो आज हम पार्ट टू पढ़ेंगे। तो इसमें सबसे पहले जो टॉपिक है वो है बडिंग। तो हम पढ़ रहे थे कि प्लांट में जो रिप्रोडक्शन होते हैं ना, वो दो टाइप्स के होते हैं। एक है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन और एक है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो हम लोग एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में पढ़ रहे हैं। तो उसका हमने एक एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का जो टाइप्स है वो हमने पढ़ा है, जो है वेजिटेटिव प्रोपागेशन। तो आज हम पढ़ेंगे नंबर टू, बडिंग। अभी हम देखेंगे बडिंग में क्या होता है। तो आपने जो है माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिज्म के बारे में पढ़ा है। जो ऑर्गेनिज्म हम सिर्फ माइक्रोस्कोप में ही देख सकते हैं, उसे माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिज्म कहा जाता है। जैसे एक माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिज्म है ईस्ट, जिससे ब्रेड केक्स वगैरह बनता है। तो वो जो ईस्ट है, ईस्ट क्या करते हैं, बहुत ही कम टाइम में, अगर उसको सफिशियंट न्यूट्रिएंट्स मिलते हैं तो बहुत ही कम टाइम में ईस्ट का जो नंबर है वो बढ़ जाते हैं, नंबर मल्टीप्लाई होते रहते हैं। मतलब ईस्ट बहुत कम टाइम में बहुत ज़्यादा न्यू ईस्ट को प्रोड्यूस कर सकते हैं। और ये जो ईस्ट होते हैं ना, ईस्ट सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म होते हैं, ईस्ट में सिर्फ एक ही सेल होते हैं। और इसको देखने के लिए कि ईस्ट किस तरीके से रिप्रोडक्शन करते हैं, अपना नंबर मल्टीप्लाई करते जाते हैं, उसके लिए हमारे पास एक एक्टिविटी है। इस एक्टिविटी में हम देखेंगे। तो इस एक्टिविटी के लिए आपको क्या करना है, ईस्ट का जो केक होते हैं ना, उसे आपको लेना है, या फिर आप ईस्ट पाउडर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ईस्ट पाउडर आपको आसानी से बेकरी या फिर केमिस्ट के शॉप में मिल जाएगा। तो आपको इसको लेना है। लेने के बाद आपको एक कंटेनर लेना है। कंटेनर में आपको क्या करना है, थोड़ा सा वाटर लेना है और उसमें जो है एक पिंच जो ईस्ट का पाउडर आपने लिया है वो एक पिंच आपको इस कंटेनर में डाल देना है। डालने के बाद आपको क्या करना है, पानी के साथ वो जो ईस्ट का पाउडर है उसको शेक करना है। मतलब उसको थोड़ा सा घुमा के मिला देना है, इसके साथ डिसॉल्व कर देना है, मिक्स कर देना है। उसके बाद ये जो मिक्सर है ना, ये जो कंटेनर है जहाँ पे आपने मिक्सर बनाया है, इस कंटेनर को आप ऐसे रूम पे रखिए जिसका टेम्परेचर थोड़ा सा वार्म है, वहाँ पे लेके रख दीजिए। और एक घंटे के बाद आपको क्या करना है, एक स्लाइड लेना है। स्लाइड जो होते हैं ना, वो इस टाइप का होता है, आपने लैब में, स्कूल के लैब में देखा होगा, ग्लास का बना हुआ इस साइज़ का होता है। तो इस तरीके का एक स्लाइड लेना है और उस स्लाइड में आपने जो मिक्सर रखा था वार्म रूम में, वहाँ से आपको एक ड्रॉप पानी इस स्लाइड में डाल देना है और माइक्रोस्कोप के नीचे आपको स्लाइड को रख के देखना है। जब आप देखोगे तो आप इस तरीके का कुछ पिक्चर देखोगे। ये देखो, ये है ईस्ट का सेल। तो ईस्ट का सेल क्या हो रहा है, जब डेवलप हो रहा है, ये जो देखिए यहाँ पे, ये जो ईस्ट का सेल है ना, यहाँ पे कुछ और ही बन गया है, कुछ इस तरीके का जो बन गया है ना, ये है बाट। इसे बाट कहा जाता है ईस्ट का। ये बाट क्या करते हैं, धीरे धीरे ये जो मेन वाला ईस्ट है ना, इसे जो है कट हो जाते हैं, डिटेस्ट हो जाते हैं। ये पास आएगा, नज़दीक आएगा और सब ये जो राउंड हो जाएगा, तो ये वाला जो पेरेंट ईस्ट है इससे ये कट हो जाएगा और एक नया ईस्ट सेल प्रोड्यूस हो जाएगा। और कभी कभी क्या होता है, ये जो ईस्ट सेल है ना, ये जो ईस्ट से यहाँ पे एक बाट निकला है, इस बाट से और बाट बनेगा और इस तरीके से जो है हर एक बाट से, इसे क्या कहा जाता है, चेन ऑफ बाट्स। जब एक बाट के साथ बहुत सारा बाट बनते जाते हैं तब उसे क्या कहते हैं, चेन ऑफ बाट। और ये जो चेन है, इसमें हर एक बाट से एक नया ईस्ट प्रोड्यूस हो सकते हैं। तो जब एक नया ईस्ट सेल प्रोड्यूस होता है, वो कुछ टाइम के बाद मैच्योर्ड हो जाते हैं और उससे फिर बाट निकलते हैं और उस बाट से फिर ईस्ट जो है प्रोड्यूस होता है। तो इस तरीके से ईस्ट जो है बहुत ही कम टाइम में बहुत ज़्यादा ईस्ट को प्रोड्यूस कर सकते हैं। यहाँ पे देखिए, ए लार्ज नंबर ऑफ ईस्ट जो है प्रोड्यूस हो जाते हैं। तो ये वाला जो पार्ट है, ये सब हमने कवर कर लिया है। तो नेक्स्ट है फ्रेगमेंटेशन।
तो हमने पढ़ा नंबर वन वेजिटेटिव प्रोपागेशन, नंबर टू बडिंग, अभी हम पढ़ेंगे नंबर थ्री फ्रैगमेंटेशन। फ्रैगमेंटेशन का मतलब होता है पीस, टुकड़ा, टुकड़ों में बढ़ जाना। तो आपने जो है तालाब देखा होगा, तो तालाब या फिर कोई भी रुका हुआ पानी, स्टेग्नेंट वाटर का मतलब होता है रुका हुआ पानी। कोई भी रुका हुआ पानी में आपने ग्रीन कलर का एक सरफेस देखा होगा या फिर थोड़ा सा रेडिश कलर का जो सरफेस दिखाई देते हैं, वो जो रेडिश कलर का कुछ दिखता है ना, उसे एल्गी कहा जाता है। तो ये जो एल्गी होते हैं ना, एल्गी क्या करते हैं, जब उसको बहुत ज़्यादा वाटर मिलते हैं, मतलब जहाँ पे अगर वो पॉन्ड पे है, कोई भी स्टेग्नेंट वाटर के वाटर में है, वहाँ पे अगर बारिश वगैरह आ गया है और बहुत ज़्यादा उसको वाटर और न्यूट्रिएंट्स मिल रहा है, तो वो क्या करेगा, उस वो मल्टीप्लाई होता रहेगा। मल्टीप्लाई का मतलब होता है इंक्रीज, इंक्रीज इन नंबर, तो नंबर में बढ़ जाना। जब एक क्या होगा कि यहाँ पे जब पानी और न्यूट्रिएंट्स इनको मिलेगा, तो ये क्या करेगा, अपना जो नंबर है वो इंक्रीज़ करेगा, मतलब यहाँ पे रिप्रोडक्शन होगा। और यहाँ पे जो रिप्रोडक्शन होगा वो किस तरीके से होगा, फ्रेगमेंटेशन से होगा। और फ्रेगमेंटेशन का मतलब क्या है, ये जो एल्गी है, एल्गी का जो सिंगुलर नंबर है वो एल्गा है। एल्गा का मतलब है एक एल्गी। तो एक जो एल्गा है वो क्या करेगा, ब्रेकअप होगा, मतलब ये जो है टुकड़ों में टूट जाएगा। ये जो टुकड़ा है ये दो या फिर दो से ज़्यादा टुकड़ा इसमें हो सकते हैं। तो ये जो हर एक टुकड़ा है ना, हर एक टुकड़ा से एक नया इंडिविजुअल प्रोड्यूस होगा। और अगर ये जो प्रोसेस है कंटिन्यूसली होता रहा, तो बहुत ही कम टाइम में वो जो वाटर बॉडी है ना, उसमें एल्गी से भर जाएगा। तो यहाँ पे पिक्चर में देखिए, ये है एल्गी, ये है पेरेंट एल्गी। ये क्या हुआ है, यहाँ पे देखिए दो टुकड़ों में जो है कन्वर्ट हो गया है। इसमें ज़्यादा टुकड़ा भी हो सकते हैं। तो इस तरीके से जो ये जो पीसेस में कन्वर्ट हो रहा है ना, ये हर एक पीसेस क्या होगा, डेवलप होगा, इसका जो साइज है ये सब बढ़ेगा, और हर एक एल्गी से नया एल्गी फॉर्म होगा। फिर ये जो नया एल्गी से फॉर्म होगा ना, ये फिर से जो है फ्रेगमेंटेशन करेगा, फिर से इसका टुकड़ा बनेगा हर एक पार्ट का, फिर वो टुकड़ा भरा होगा तो नया एल्गी बनेगा। इसी तरीके से ये जो इसका जो फ्रेगमेंटेशन होता है, इसकी वजह से बहुत ही कम टाइम में एल्गी का जो नंबर है वो बढ़ जाते हैं, और जो वाटर बॉडी है ना उसमें एल्गी से भर जाते हैं। अभी हम देखेंगे नंबर फोर्थ, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, स्पोर फॉर्मेशन। तो आपने चैप्टर वन में पढ़ा था, जो फंगी दिखाई देते हैं ना, ब्रेड के पीस अगर आपने दो तीन दिन तक रख दिया है, तो वहाँ पे ना कुछ ब्लैक कलर का कुछ दिखाई देता है, जिससे फंगी कहा जाता है। और ये जो फंगी है ये कहाँ से बनते हैं, ये स्पोर से बनते हैं। तो और ये जो स्पोर है ये कहाँ पे रहते हैं, स्पोर रहते हैं एयर में, तो हवा से ये आके ब्रेड में आते हैं और वहाँ पे जो है ये ग्रो करने लगते हैं। तो आपने ये चैप्टर वन में अच्छे से पढ़ा था, 1.2 जो वहाँ पे एक्टिविटी दिया था वहाँ पे आपने अच्छे से पढ़ा था। अभी देखिए जो कॉटन होते हैं ना, जो कॉटन का पेड़ होता है, तो कॉटन के पेड़ पे जो कॉटन लगा हुआ होते हैं, जब वो इमेच्योर्ड होते हैं, उसके चारों तरफ इस तरीके का कोटिंग होता है, तो इस तरीके का ना एक कवरिंग होता है, ताकि ये जो है कॉटन को प्रोटेक्ट कर सके। जब कॉटन जो है मैच्योर्ड हो जाते हैं, तो ये जो कोटिंग है, ये जो कवरिंग है, ये टूट जाते हैं और इस तरीके का स्पोर्स निकलते हैं, आपने देखा होगा। तो ये जो है जब वो टूट के निकल जाते हैं, तो ये क्या करते हैं, हवा में उड़ने लगते हैं, कि फ्लोटिंग इन द एयर, हवा में उड़ने लगते हैं। और ये जो कॉटन का जो कॉटन होते हैं ना, वो बहुत ज़्यादा लाइट होता है, इसकी वजह से लॉन्ग डिस्टेंस तक उड़ के चले जाते हैं। तो ये जो स्पोर्स है, स्पोर्स क्या है, कि एसेक्सुअल रिप्रोडक्टिव बॉडी से, मतलब एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का एक मटेरियल है। तो स्पोर्स के चारों तरफ जैसे कि हमने देखा, एक कोटिंग होता है, एक कवरिंग होता है, जो इसे अनफेवरेबल कंडीशन, जैसे कि बहुत ज़्यादा गर्मी या फिर बहुत ज़्यादा ठंडा, इन सब से इसको जो है प्रोटेक्ट करते हैं।
जिसके वजह से ये बहुत टाइम तक सर्वाइव कर पाते हैं, मैच्योर्ड होने तक ये सर्वाइव कर पाते हैं। उसके बाद सब ये जो ब्रास्ट हो जाते हैं और इसको फेवरेबल कंडीशन मिलते हैं, मतलब सुइटेबल टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी ये सब मिलते हैं, तो ये जर्मिनेट करते हैं, मतलब इससे नया जो है कॉटन का प्लांट ग्रो होते हैं। जैसे कि ये जो कॉटन ये बहुत दूर तक चला जाएगा ना, तो हर जगह पे जो है ये नया नया एक कॉटन का प्लांट बनेगा अगर फेवरेबल कंडीशन हुआ तो। तो यही तो है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन का मतलब क्या था कि नया इंडिविजुअल बनना। तो स्पोर्ट से क्या होता है, नया इंडिविजुअल बनते हैं और ये जो नया इंडिविजुअल है ये बहुत लॉन्ग डिस्टेंस तक बनते जाते हैं। तो स्पोर्ट से और कुछ प्लांट प्रोडक्शन करते हैं, जैसे कि मॉस है, फर्न से, ये सब स्पोर्ट से रिप्रोडक्शन करते हैं। तो अभी हमारा एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन कंप्लीट हो गया है, अभी हम देखेंगे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो ये जो प्रोसेस है ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है। जैसे कि हम लोगों ने एसेक्सुअल देखा, वहाँ पे क्या हो रहा है कि कोई टुकड़ों में डिवाइड हो रहा है, हर टुकड़ा से इंडिविजुअल बन रहा है, स्पोर्स हवा में उड़ रहा है तो हाथ से इंडिविजुअल बन रहा है। लेकिन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है वो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है और यहाँ पर क्या होगा, दो गैमेट का ज़रूरत होगा, मतलब दो चीज़ों का, दो इंडिविजुअल का इन्वॉल्वमेंट की ज़रूरत होते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में। लेकिन एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है उसमें जो पेरेंट होता है वो एक ही होते हैं, एक पेरेंट से बहुत ज़्यादा ऑर्गेनिज्म बनते हैं। अभी हम देखते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन किस तरीके से होते हैं। तो आपने इससे पहले भी आपका जो अर्लियर क्लासेस था उसमें आपने फ्लावर का स्ट्रक्चर देखा है, यही जो फ्लावर्स होते हैं ना प्लांट्स में, ये फ्लावर्स ही है रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ ए प्लांट। प्लांट का रिप्रोडक्टिव पार्ट्स होता है, मतलब इसी फ्लावर से ही न्यू इंडिविजुअल का फॉर्मेशन होता है। तो फ्लावर में क्या होता है, एक होता है स्टेमेंस जिसे मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट कहा जाता है, और एक है पिस्टेल जिसे फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट कहा जाता है। ठीक है, तो फ्लावर में जो स्टेमेंस होते हैं, जो आपने देखा था फ्लावर के स्ट्रक्चर में, वो है मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट, और जो पिस्टल है वो है फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट। तो अभी आगे देखते हैं, आगे हमारा है एक्टिविटी। इस एक्टिविटी के लिए आपको क्या करना है, मस्टर्ड का जो फ्लावर होते हैं ना, सरसों का जो फ्लावर होते हैं येलो कलर का, वो फ्लावर ले सकते हैं आप, या फिर आप चाइना रोज का फ्लावर ले लीजिए, ये साइज़ में बड़ा आता है। वैसे तो ऑलमोस्ट ऑल फ्लावर्स में होते हैं, लेकिन ये जो मास्टर, चाइना, ये इन सब फ्लावर्स में जो है पिस्टल, स्टेमेन, ये सब इजीली विजिबल होते हैं, इसीलिए प्रैक्टिकल के लिए, एक्टिविटी के लिए ये सब फ्लावर यूज़ होता है। तो आपको ये फ्लावर लेना है, उसके बाद उसका जो हर एक पार्ट से ना उसको धीरे धीरे से आप सेपरेट करिए, और उसका जो रिप्रोडक्टिव पार्ट से यानी कि पिस्टल और स्टेमेन, इसको आप ध्यान से देखिए अच्छे से सेपरेट करके। तो अभी आप देखिए जो फ्लावर्स होते हैं ना, फ्लावर्स दो टाइप्स के होते हैं, वन इज यूनिसेक्सुअल एंड वन इज बाईसेक्सुअल। अभी देखिए यूनिसेक्सुअल का मतलब क्या है, अगर एक फ्लावर में पिस्टल और स्टेमेन का सिर्फ एक ही प्रेजेंट है तो उसे हम कहेंगे यूनिसेक्सुअल फ्लावर्स। मतलब यूनिक का मतलब होता है वन, मतलब कोई एक से या तो स्टेमेन है या तो पिस्टल है, तो उसे कहा जाएगा यूनिसेक्सुअल फ्लावर। अगर किसी फ्लावर में बाई का मतलब होता है टू, बाई का मतलब है टू, मतलब कोई फ्लावर में अगर दो है, स्टेमेन और पिस्टल दोनों का दोनों प्रेजेंट है, तो हम उसे कहेंगे बाईसेक्सुअल फ्लावर्स। अभी यूनिसेक्सुअल फ्लावर का एग्जांपल देख लीजिए, जैसे कि कॉर्न है, पपाया है, कुकुम्बर है, ये सब क्या है, यूनिसेक्सुअल फ्लावर्स। अभी पपाया का मतलब पपीता है, तो आपने पपीता का प्लांट तो देखा ही होगा, पपीता का कुछ प्लांट्स होते हैं जिसमें क्या होता है कि फ्लावर्स तो आते हैं लेकिन पपीता नहीं आते, लेकिन कुछ होते हैं फ्लावर्स के साथ साथ क्या होते हैं, पपीता भी आते हैं। तो इस ये क्या है, यूनिसेक्सुअल फ्लावर्स से, मतलब एक प्लांट है जिसमें सिर्फ पिस्टल है
जिसकी वजह से वहाँ पे पपीता दिखाई देते हैं, और एक प्लांट है जिसमें सिर्फ स्टेमेंस है इसीलिए फ्लावर्स तो होते हैं लेकिन पपीता नहीं दिखाई देते, इसीलिए इसको क्या कहते हैं, यूनिसेक्सुअल फ्लावर्स। देन बायसेक्सुअल फ्लावर्स का एग्जाम्पल जैसे है मस्टर्ड है, रोज है, पिट्यूना है, ये सब बायसेक्सुअल फ्लावर्स का एग्जाम्पल है। तो जो है बोथ द मेल एंड फीमेल यूनिसेक्सुअल फ्लावर्स में प्रेजेंट इन द सेम और द डिफरेंट प्लांट्स। अभी देखिए इंटरेस्टिंग है, ये जो यूनिसेक्सुअल फ्लावर्स है मतलब एक में पिस्टल होगा और एक में होगा क्या स्टेमेन। तो क्या होगा कि जो पिस्टल वाला जो फ्लावर है और स्टेमेन वाला जो फ्लावर है, ये दोनों फ्लावर एक ही प्लांट में हो सकते हैं, या फिर पिस्टल वाला जो फ्लावर है वो एक प्लांट में होगा और स्टेमेन वाला जो फ्लावर है वो दूसरा प्लांट में भी हो सकते हैं। तो अभी जब आप क्या करेंगे, जो फ्लावर को जब सेपरेट करेंगे तो उसमें ना इस तरीके का कुछ स्ट्रक्चर देखेंगे। ये है स्टेमेन, ये जो पूरा है ये स्टेमेन है इसका, जो ये जो ट्यूब्स है ना इसका नाम है फिलामेंट, और ऊपर जो फ्लावर्स ऐसा दिख रहा है ना थोड़ा सा पिंकिश कलर का, इसका नाम है एंथर। ये जो एंथर है ना, एंथर के अंदर क्या होता है, पॉलन ग्रेन होते हैं। जब आप देखेंगे वहाँ पे ना पाउडर जैसा कुछ दिखेगा, जो आपको टीचर आपको अगर एक्टिविटी कराएगा तो दिखाएगा, तो पाउडर जैसा कुछ दिखते हैं जिसे पॉलन ग्रेन्स कहा जाता है, और यही है मेल गैमेट्स। तो उसके बाद आपको और एक स्ट्रक्चर देखेगा इस तरीके का, तो ये है क्या पिस्टल। पिस्टल के ऊपर जो हेड जैसा दिख रहा है ना, इसे कहा जाता है स्टिग्मा, और नीचे ये जो ट्यूब है इस ट्यूब का नाम है स्टाइल, और ये जो मोटा सा जो पार्ट है इसका नाम है ओवरी। और ओवरी को जब आप डाइसेक्शन करोगे, मतलब ओवरी को जब आप बीच में से काट दोगे, तो उसमें जो ये जो इस तरीके का जो कंपार्टमेंट दिख रहा है ना राउंड राउंड, इसे कहा जाता है ओव्यूल। तो ये जो ओव्यूल है, ओव्यूल के अंदर क्या होता है, फीमेल गैमेट फॉर्म होते हैं। जैसे कि मेल गैमेट फॉर्म होते हैं कहाँ पे, पोलन एंथर में, उसी तरीके से ओव्यूल में फीमेल गैमेट यानी कि एक फॉर्मेशन होता है। और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में जैसे मैंने बोला कि दो गैमेट की ज़रूरत होता है, इसीलिए यहाँ पे इन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ए मेल एंड ए फीमेल गैमेट फ्यूज टू फॉर्म ए जायगोट। तो यहाँ पे क्या करेगा, ये जो मेल गैमेट है जो एंथर से निकला है और जो फीमेल गैमेट है जो ओव्यूल से निकला है, ये दोनों फ्यूज होगा, मतलब एक दूसरे के साथ मिक्स हो जाएगा, और वहाँ से क्या होगा, जायगोट फॉर्म होगा। और ये जो जायगोट है यहाँ से ही एक नया इंडिविजुअल का फॉर्मेशन होते है। तो नेक्स्ट वीडियो में हम पोलिनेशन पढ़ेंगे, वीडियो काफ़ी लंबा हो गया है। तो वीडियो अगर अच्छा लगा तो लाइक करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू।